तो फिर जो डिफरेंट टाइप्स के फूड होते हैं उसके अलावा जो है हमारे बॉडी को वाटर की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। इनफैक्ट आवर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, हमारे बॉडी को जो है ढेर सारे पानी की ज़रूरत होती है। वाटर हेल्प्स अस डाइजेस्ट द फूड, वाटर जो है वो हमें फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। डाइजेस्ट मतलब पचाना, फूड को पचाने में, डाइजेस्ट करने में भी वाटर जो है वो हमारी मदद करता है। इट हेल्प्स अस थ्रो आउट द अनडाइजेस्टेड वेस्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी, ये जो है हमें हेल्प करता है, जो अनपचा जो कचरा होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में भी ये जो है हेल्प करता है, ठीक है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हमें जो है कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी जो है वो हर एक दिन पीना चाहिए। तो कुल मिला के हमें ढेर सारा पानी पीना चाहिए। फिर अगली बात क्या आती है कि वी कुक मोस्ट ऑफ आवर फूड बिफोर वी ईट, ओके। खाने से पहले हम ज़्यादातर खाने को हम क्या करते हैं, पकाते हैं, कुक करते हैं। बट सम वेजिटेबल्स लाइक यू नो कैरेट, रेडिश, टोमेटो एंड फ्रेश फ्रूट्स आर ऑल्सो ईटन रॉ, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि गाजर, मूली, टमाटर और फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो कच्चा भी खाए जाते हैं, वो रॉ भी खाए जाते हैं। फिर डाइट्स जो है वो अलग लोगों के लिए अलग हो सकती है, ठीक है। डाइट्स मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, डाइट्स जो है वो अलग लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि मिल्क इज़ ए कम्प्लीट फूड फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी, दूध जो है वो कम्प्लीट फूड है किसी नवजात बच्चे के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए। ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड लॉट्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड्स लाइक एग्स, पल्सेस एंड मिल्क, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको ढेर सारा जो है बॉडी बिल्डिंग फूड चाहिए। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स में क्या आता है, जैसे कि एग्स, पल्सेस और मिल्क, अंडा, दाल और दूध वगैरह। फिर अ लेबरर नीड्स मोर फूड देन अ पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस, एक मजदूर जो है उसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है कंपेयर टू एक आदमी जो कि ऑफिस में काम कर रहा है। नाउ वी मस्ट टेक अ डाइट दैट हैज़ डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक यू नो सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, सैलड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन राइट अमाउंट एट फिक्स टाइम्स, हमें जो है ऐसी डाइट लेनी चाहिए दैट हैज़ डिफरेंट फूड आइटम्स, जिसमें कि डिफरेंट फूड आइटम्स हों, जैसे कि सीरियल्स, राइट, अनाज, दाल, दूध, सैलड, हरी सब्जियाँ, फल, ठीक है, सही मात्रा में और फिक्स समय पे, है ना। ये नहीं कि जब जैसे मन हुआ उठा के खा लिए, जो मन हुआ वो खा लिए, फिक्स डाइट में होना चाहिए, फिक्स जो है टाइमिंग, फिक्स जो है स्केड्यूल। तो वेल दैट्स इट फॉर आवर चैप्टर, ओके। आप लोग जो है अभी इन क्वेश्चंस का आंसर करिएगा एंड आई एम श्योर दैट विल बी इजी फॉर यू। अगले लेसन में हम लोग जो है अपने आसपास की हवा के बारे में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट एयर अराउंड अस, बट दैट इज इन द नेक्स्ट लेसन। अंटिल देन हैव फन, बाय बाय।